अब अपन देखते हैं इस फाइल में अपन देखते हैं होमिनिड के विभिन्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक जो डिफरेंस मैंने पहले बताया था ना, उस डिफरेंस में एक आप ये डिफरेंस और जोड़ लेना, दौड़ने की रफ्तार। ठीक है ना, नाई जो था उसकी दौड़ने की रफ्तार अधिक थी, ठीक है, नाई की, क्योंकि उसके चार पैर थे। ठीक है ना, तो चार पैर से ज़्यादा तेज दौड़ सकता था। ऐप ऐप जो बताया ना, इसमें अपन ऐप बताया ना ये, और नी जो है होमिनिड, उसमें दौड़ने की रफ्तार तुलनात्मक रूप से कम थी, क्योंकि उसके कितने पैर थे, दो पैर थे, पाँव पे खड़ा होने लग गया था दो पाँव पे। ऐसे अब अपन देखते हैं नी के जो अनेक प्रकार मिलते हैं रामापिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो हैबिलिस इरेक्टस सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस, उनमें क्या भेद है अलग अलग, है ना। आओ ये इस फाइल में अपन देखते हैं होमिनिड श्रेणी की शाखाएं, वंश या जीनस। ठीक है, ये अपन शाखाएं इसकी, सबसे पहले अपन देखेंगे वो रामापिथेकस। ठीक है, इंग्लिश में इसका वर्ड लिखा हुआ आपने रामापिथेकस, वानर से काफी समानता रखता था रामापिथेकस, रामापिथेकस की वानर से काफी समानता थी। एक बार रिबन को मैं कम कर देता हूँ मेरे मजे के, ठीक है ना। तो रामापिथेकस, तो रामापिथेकस की, रामापिथेकस वानर से काफी समानता रामापिथेकस की थी। ठीक है, वानर से काफी समानता थी। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देखो लेकिन होमिनिड की अपनों खास बात क्या है, होमिनिड जो है ना वो कितने पांव वाला था, वो दो पांव वाला था, बाईपेडल था, दो पाया था, चौपाया नहीं था। तो वानर से इसमें समानता तो थी, लेकिन ये दो पांव पर ही चलता था। तो सर वानर से समानता, दो पांव पर भी चलता था, ये कैसे सर समझ में नहीं आया, समझाएंगे यार ऐसे क्या करते हैं। ये देखो मैं ये समझाता हूँ, तो खोपड़ी आ गई एक दूसरी इमेज, ये लो, ये इमेज देखो, एक मिनट, इसमें फुल स्क्रीन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये देखो ये है ना, अब ये है ना, ये है जो मैं आपको बता रहा था। इसमें आप जैसे देखो कि मिडिल वाला जैसे जो है ये, तो इसके अंदर भी क्लियर नहीं है। इसमें पहली इमेज में देखो, पहली इमेज में ज्यादा क्लियर हो, रामापिथेकस, ये रामापिथेकस है ना, ये देखो रामापिथेकस क्या एप से समानता रखता था, जैसे ये देखो आप, ठीक है ना, है तो ये होमिनिड, होमिनिड क्यों, क्योंकि दो पांव से चलने लग गया था, और लेकिन एप से काफी समानता, जैसे झुक के चल रहा है, पूरा स्ट्रेट खड़ा नहीं हुआ है ये, तो ये था रामापिथेकस शुरू के अंदर होमिनिड श्रेणी का सबसे पहला रामापिथेकस। ठीक है, एप से काफी समानता थी, लेकिन एप से समानता थी तो इसका मतलब ये नहीं कि दो पाँव के जगह चार पाँव से चलता था, नो, ये सारे ये होमिनिड श्रेणी के ही है, नी है इसमें, नी ये सारे क्या है, ये नी है, तो नी है तो ये कितने पाँव से चलेंगे, ये दो पाँव से चलेंगे, दो पाँव से चलता था, लेकिन तुलनात्मक रूप से वानर से काफी समानता ही रखता था। वानर से क्या समानता, एक पूरा ढंग से खड़ा नहीं हो पाया सीधा, पेड़ की हड्डी इतनी विकसित नहीं थी, शरीर पर काफी ज्यादा बाल थे, मस्तिष्क जो था तुलनात्मक रूप से छोटा था, जबड़ा था जो था तुलनात्मक रूप से बड़ा ही था, मतलब वानर जितना ही बड़ा इसका जबड़ा था। ऐसे तो ये रामापिथेकस, रामापिथेकस से अपन शुरुआत देखते हैं होमिनिड श्रेणी की, ये है बात। ठीक है, आओ तो रामापिथेकस देखा अपन ने, वानर से काफी समान था। फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, 56 लाख वर्ष पूर्व आया पृथ्वी पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मानव का आदि पूर्वज, ठीक है ना, मानव का आदि पूर्वज, ये कौन, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, जो दूसरी वाली सेकंड पे जो आ जाएगा वो ये देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन सा बता दूं, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है ना, ये मानव का आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फोटो से कोई ध्यान मत रखो, फोटो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी नाम से अपन को ध्यान रखने चीजों को सारी, है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलिया, मानव का पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऐसे याद रख लो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, इसकी इसकी शुरुआत कब आया, ये नूतन वर्ष नियोजोइक एरा को अपन चतुर्थ युग क्वार्टनरी इपोक भी बोलते हैं। तो यहाँ तक तो ये एक चीज है, नूतन कल्प अर्थात चतुर्थ युग के, है ये क्या है, ये जियोलॉजिकल टाइम हिस्ट्री है, मतलब पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उसकी। तो ये एक टेबल बनी हुई थी ज्योग्राफी वाले नोट्स में, जितने मैंने आपको नोट्स दिए उनके अंदर, उसमें जो चौथा युग देखते हैं ना अपन, सबसे पहले एरा आता है, तो उसमें चार है, पहले जो एक मेजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक, तो ये नियोजोइक का सबसे लास्ट वाला है।
ठीक है ना, नियोजोइक एरा को अपन फिर एरा जो वो इपोक में टूटे रहते हैं, तो नियोजोइक एरा को अपन चतुर्थयुग या क्वार्टनरी इपोक भी बोलते हैं। फिर इस इपोक के अंदर एज आती है, ठीक है, तो नियोजोइक एरा के अंदर दो एज है, प्लेस्टोसीन और हीलियोसीन आगे आएगी, तो प्लेस्टोसीन युग आई है, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे पढ़ना है इसको, नूतन कल्प एरा अर्थात चतुर्थ युग के प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन को अपन अभिनूतन बोलते हैं, प्लेस्टोसीन अभिनूतन युग, और इंग्लिश में लिखा प्लेस्टोसीन इज आइस एज, हिम युग की शुरुआत है ना, और हिम युग के साथ यहाँ एक बुलेट पर आगे तापमान व आर्द्रता में कमी है ना। हिम युग की शुरुआत मतलब पृथ्वी धीरे धीरे जमने लग गई थी, तो इस आइस एज में क्या हुआ, क्या तापमान में कमी हो गई और उस ना आर्द्रता में कमी हो गई, ठीक है। जब ठंड पड़ती है तो आर्द्रता में कमी हो जाती है, और जब तापमान में वृद्धि होती है तो उससे बारिश होती है, तो फिर आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है। तो प्लेस्टोसीन एज जो 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 थी ना, जिसको अपन प्लेस्टोसीन या अभिनूतन युग बोलते हैं, प्लेस्टोसीन एज, तो प्लेस्टोसीन एज बोल दो चाहे आइस एज बोल दो, बात एक ही है। और फिर इसका विलोम आगे आएगा, अपन पढ़ेंगे, वो होलिसिन एज है। होलिसिन एज के अंदर क्या हो जाएगा, तापमान में वृद्धि हो जाएगी और आर्द्रता में वृद्धि हो जाएगी, अभी जैसे अपन होलिसिन एज देखते हैं, ठीक है। तो प्लेस्टोसीन युग की जो शुरुआत थी, प्लेस्टोसीन युग आता है नियोजोइक एरा के अंदर, क्वार्टनरी इपोक के अंदर, उसमें अपन जैसे देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था ये पृथ्वी के ऊपर इसका उद्भव हुआ, ठीक है ना, नियोजोइक एरा के अंदर चौथा है ये, तो एरा इपोक में, इपोक एज में, तो नियोजोइक एरा, क्वार्टनरी इपोक और प्लेस्टोसीन एज, ऐसे बोलना अपन को, एरा इपोक और एज, ठीक है। ये टेबल बनी हुई है इसके बाद ज्योग्राफी वाले नोट्स के अंदर, पहले उसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा, तो उसमें आप इसे देखना, ठीक है ना, ये चीज। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया मानव का आदि पूर्वज और नूतन युग या प्लेस्टोसीन एज के शुरू में, ठीक है, प्लेस्टोसीन एज। फिर तीसरा अपन मानव प्रकार देखते हैं, होमिनिड के अंदर, सारे होमिनिड श्रेणी है, नी की है सारी श्रेणियां, कंफ्यूज मत होना उसमें। नी में फिर क्या है, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस क्या था, 22 लाख वर्ष पूर्व आया, इसने हथियार बनाने वाला ये पहला मानव था, हथियार जिसने परिष्कृत हथियार बनाए, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के बाद आया होमो इरेक्टस, इरेक्टस इरेक्ट का मतलब सीधा खड़ा होने वाला, इरेक्टस 18 लाख वर्ष पूर्व आया, सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव, रीढ़ की हड्डी बल, रीढ़ की हड्डी विकसित हो गई, उस हड्डी के बल पर वो सीधा खड़ा होकर चलने लगा, ठीक है ना। इस होमो इरेक्टस को अपन पिथेंकेट्रोपस, पिथेनकेट्रोपस, 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 ऐसे याद रखना, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दो, कोई चीज का लिस्ट हो ना, टुकड़ों में तोड़ दो, अपने आप इजी हो जाएगी, पिथेनकेट्रोपस, है ना। तो होमो इरेक्टस को अपन पिथेनकेट्रोपस भी बोलते। तो होमो हैबिलिस था हथियार बनाने वाला, उसकी हैबिट थी हथियार बनाना, ऐसे याद रखो, इरेक्ट से सीधा खड़ा आ ही गया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पुराना मानव मानव का आदि पूर्वज मिला है नियोजोइक युग के अंदर, ठीक है ना। तो वो और नियोजोइक युग में प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन का मतलब क्या है कि बर्फ जमने लग गई, प्लेट के अंदर बर्फ जमने लगी, प्लेस्टोसीन, ऐसे याद रख लो आप। और फिर उससे पुराना रामापिथेकस। तो अभी अपने क्रम में क्या पढ़ा, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। अब आ जाएंगे अपन तार्किक मानव, आ जाओ आगे, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, है ना। आप पांचवें नंबर पढ़ते हैं होमोसेपियंस, सेपियंस, ठीक है, सेपियंस। होमो का मतलब होता है मानव का प्रकार, और फिर उसमें हैबिलस हथियार, ठीक है, इरेक्टस सीधा, सेपियंस जिसमें चिंतनशील प्रज्ञामान, 8 लाख वर्ष पूर्व आया, चिंतनशील और प्रज्ञामान, चिंतनशील का मतलब क्या, वो लॉजिक लगाने लगा कि अच्छा ऐसा करूंगा तो ऐसा होएगा, बिलवाड़ वाली पट्टी याद है पहली इमेज, इसको मैं ऐसे किनारे से छोड़ दूंगा ना तो ऐसी फलक निकल जाएगी, अच्छा 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 अच्छा, लकड़ी को मैं ऐसे पत्थर के बीच में आ रही हूँ परपेंडिकुलर रख के रही हूँ, जोर जोर से आगे पीछे घुमाऊंगा, घड़ी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी और विपरीत घड़ी, तो ग्रसण पैदा होकर उसे आग लगेगी, आग लगने से क्या होगा, आग लगने से मेरे को ऊष्मा मिलेगी, जानवर भागेंगे, खाना पका सकता हूँ। तो वो क्या, वो विचार करने लगा, चिंतनशील, ये चिंताशील नहीं है, चिंता नहीं थी उसको कि प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, मेंस होगा कि नहीं होगा, चिंता नहीं है, क्या है, चिंतन है। तो देखो इंसान चिंता करने से आगे नहीं बढ़ाया कभी, कैसे बढ़ाया, चिंतन करने से। तो प्यारे इसलिए बोलता हूँ चिंता मत करो, क्या करो, चिंतन करो, चिंता तो चिता समान होती है, जला देगी सब कुछ, चिंतन करो आगे कैसे बढ़ना है। तो देख लो अपन चिंतन करते हैं तो आज यहाँ पहुँचे हैं अपन आधुनिक मानव, देख लो एप से लेके आज आधुनिक, तो सोचो चीज कैसे आगे होंगे, कैसे अपन करें, चिंतन, है ना, चिंतनशील, चिंता,
चिंतनशील मत कर देना, इसको गड़बड़ हो जाएगी। चिंतनशील है, है ना, चिंतनशील। और इसको अपन प्रज्ञा मानव भी बोलते हैं, ठीक है ना, चिंतनशील मनुष्य। चिंतनशील है ना, चिंतनशील प्रज्ञा मानव। है ना, चिंतनशील प्रज्ञा मानव, ठीक है ना। ये इसकी जैसे सेपियंस होमोसेपियंस ना, इसका प्रज्ञा मानव, इसके अपन प्रकार देखते हैं, मतलब बुलेट इसमें मिस हो गई, इसमें प्रकार, इसके प्रकार कौन कौन से थे। जर्मनी में खोज स्थल के आधार पर इसके दो नामांकन पड़े, मतलब होमोसेपियंस के दो प्रकार हैं, ऐसे अपन को समझना ही है। पहला प्रकार तो क्या, होमो हाइडल बर्गेसिस है ना, बर्गेनसिस, ये जर्मनी में नाम की जगह है, ठीक है। तो ये जो मैप बना भी हुआ एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर आप जैसे लोकेट करो इनको, होमो हाइडल बर्गेनसिस। और दूसरा था होमो नियंडर थेलेसिस, इसको नियंडरथल भी बोल देते हैं, है ना, नियंडरथल, ठीक है। तो ये होमो सेपियंस के दो प्रकार हैं, हाइडल बर्गेसिस और नियंडर थेलेसिस। कहाँ पे, जर्मनी में, जैसे जहाँ इनकी उत्खनन में मिले फॉसिल्स मिले इनके अवशेष, उसके पीछे इनके नाम पड़े हुए हैं। अब जैसे मान लो ये सांगानेर में मिलता है तो क्या नाम हो जाता, होमो सांगानेरेसिस। भाई चांस बता रहा हूँ, जैसे मिले होते तो सांगानेर में नहीं मिला कोई भी जयपुर में, ठीक है। तो ये कहाँ मिले, ये जर्मनी के इन हिस्सों में मिले, इसलिए इनके नाम हो गए होमो हाइडल बर्गेसिस और होमो नियंडर थेलेसिस। तो ये हाइडल बर्गेसिस नाम की जगह और नियंडर नाम की जगह जर्मनी में, तो वहाँ मिले उत्खनन में फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब अपन जैसे बोलते हैं जीवाश्म, ये वहाँ मिले तो इनका नाम पड़ेगा होमो हाइडल बर्गेसिस और नियंडर थेलेसिस। किसके प्रकार है, होमो सेपियंस के। और होमो सेपियंस कैसा मानव था, चिंतनशील या प्रज्ञा मानव, ओके। फिर नेक्स्ट अपन जो मानव देखते हैं वो है होमो सेपियंस, है ना। ऐसा नहीं है कि सर को नींद आ गई थी दो बार लिख दिया, नहीं प्यारे, बहुत सोच समझ के, चिंतनशील। तो ये होमो सेपियंस सेपियंस है, ठीक है, यूं बोलना इनको। होमो सेपियंस कर दोगे तो क्या भेद होएगा दोनों में, जबकि भेद है, ये 8 लाख वर्ष पूरे सेपियंस, सेपियंस सेपियंस 2 लाख वर्ष पूरे, तो होमो सेपियंस 2 लाख वर्ष पूरे, ठीक है। इसको अपन आधुनिक मानव बोलते हैं। आधुनिक मानव क्या, तुलना तो उससे और ज्यादा चिंतनशील, आने वाली पीढ़ियों को वो ज्ञान देने लग गया, बांटने लग गया ज्ञान, है कि नहीं है, रायचंद ने ज्ञान देने लगे कि ऐसा करने से ऐसा होगा, लॉजिक डेवलप हो गया काफी ऐसे। इसकी कौन कौन सी प्रजातियां अपन देखते हैं आधुनिक मानव की, निग्रोइड, काकेशिस, है ना, काकेशिस भी बोलते हैं, मंगोलॉइड, मंगोलिया वाले क्षेत्र में जो मिले, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, इंडिया में ज्यादातर जैसे जो है ना मूल जो यहाँ के लोग थे इंडियंस, वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड थे, मूल भारतीय है ना, जिनको द्रविड़ जैसे अपन बोलते हैं दक्षिण भारत में जो मिलते हैं, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। और जो आर्यन जैसे जो लोग थे ना, वो काकेशिस थे, आर्यंस, ठीक। और फिर मंगोलॉइड जैसे जो मध्यकालीन में जैसे जो आए मुगल्स के रूप में, वो मंगोलॉइड, ठीक है ना, ऐसे ही है। निग्रोइड काकेशिस, है ना, निग्रोइड मतलब निग्रो प्रजाति से मिलते, तो काकेशिस मतलब काकेशिस जो अपन पर्वत देखते हैं सेंट्रल एशिया में, उससे आने वाले मंगोलॉइड्स, मंगोलिया क्षेत्र से, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जो मतलब एशिया ओशिया वाले क्षेत्र के जो मूल निवासी थे, ऐसे इनका नामांकन पड़ा हुआ है। तो ये अपन को याद रखने, देखो ये नाम में गड़बड़ हो जाएगी, इसको कैसे रखें, NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, याद रह जाएगा, और उसको भी प्रेस में न्यूज, असहयोग आंदोलन हो गया ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है सहयोग आंदोलन, एन से निग्रोइड, सी से काकेशिस, एम से मंगोलॉइड, पी से प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता में सब नाम आएंगे, घूमोगे गोल गोल, मुझे नहीं पता है ना, ऐसे। तो ये था होमो सेपियंस सेपियंस, है ना, आधुनिक मानव। अब जैसे मानव का आदि पूर्वज बताओ कौन, फटाफट कमेंट करके बताओ प्यारे, आदि पूर्वज 2 नंबर वाला जो था, है ना। और आधुनिक मानव कौन, जो आज अपन मॉडर्न मैन देखते हैं, वो बताओ कमेंट करके फटाफट, इतने में मैं बढ़ जाता हूँ आगे। चलो फिर अब देखो, 2 लाख वर्ष पूर्व हो गए, 8 लाख वर्ष पूर्व सेपियंस, फिर 2 लाख वर्ष पूर्व सेपियंस सेपियंस, अब अपन आगे गए 10,000 वर्ष पूर्व, है ना, मतलब ये वर्तमान आज की तारीख से 10,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ अपन देखते हैं। नूतल कल्प आया था, ये चला था नियोजोई कह रहा चतुर्थ युग के होलोसिन, है ना, होलोसिन। अभी पहले अपन ने प्लेस्टोसिन पढ़ा था, अपन ने प्लेस्टोसिन अपन ने कौन सा देखा था, याद है आपको, ये देखो मैं दिखाता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए, ये देखो प्लेस्टोसिन, याद देखो, ये देखो, ये आधुनिक मानव,
ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है ना, प्लिस्टोसिन। ये तो नियोजोई के अंदर दो होती हैं, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। तो प्लिस्टोसिन में तो प्लेट में बर्फ जम गई, हिमयुग, अब बर्फ पिघलनी चालू हुई 10,000 वर्ष पूर्व। ये तो 56 लाख वर्ष पूर्व है, ये तो 56 लाख वर्ष पूर्व है प्लेट में बर्फ जमना, प्लिस्टोसिन। नियोजोइक में प्लिस्टोसिन, मैंने बताया नियोजोइक के, नियोजोइक एरा के दो एज हैं, एक है प्लिस्टोसिन जिसमें बर्फ जम गई 56 लाख वर्ष पूर्व, और अब है होलोसिन जो अब मैं नीचे वो जिसको अपन देख रहे हैं ये 10,000 वर्ष पूर्व। ये देखो ये 10,000 वर्ष पूर्व, तो नियोजोइक एरा के क्वार्टनरी एपोक के अंदर दूसरी एज चालू होगी, कौन सी, होलोसिन, है ना, ये बोले ना होलोसिन आधुनिक युग। इसको अपन पोस्ट आइस एज बोलते हैं, पोस्ट एज, आइस एज मतलब आइस एज के बाद में आने, पोस्ट मतलब बाद में, है ना। जैसे अपन बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन बी ए, पोस्ट ग्रेजुएशन एम ए, ग्रेजुएशन की जो बात करें वो पोस्ट ग्रेजुएशन। और पोस्ट ग्लेशियल भी, ग्लेशिकल भी बोलते हैं, क्योंकि ग्लेशियर में तो ही अपने पढ़ी हुई प्लिस्टोसिन, अब उसके बाद की है ये की शुरुआत। इसमें क्या हुआ, हिमयुग का अंत हो गया, तापमान व आर्द्रता में वृद्धि हो गई, जबकि अपन ने अभी प्लिस्टोसिन पढ़ी थी उसमें तापमान व आर्द्रता में कमी थी प्लिस्टोसिन में, और इसमें वृद्धि हो गई। तो तापमान में वृद्धि होती है तो उससे क्या होता है, बारिश होती है, और आर्द्रता में वृद्धि होती है, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी के अंदर। ओके, ये 10,000 वर्ष पूर्व हुआ, और जबकि हिलोसिन जो अपन ने सॉरी प्लिस्टोसिन अभी एज देखी वो कहाँ थी, वो लाख वर्ष में, लाख ये तो हजार में है ना, 10,000, और वो लाख वर्ष में, देखो ये ध्यान रखना है, ये बहुत बेसिक अंतर है, ये तो ये लाख वर्ष में, ये देखो लाख वर्ष मतलब 56 लाख वर्ष, और प्लिस्टोसिन 56 लाख वर्ष, और अभी होलोसिन देखी वो कितना, होलोसिन कितने में था अपन ने अभी ऊपर देखा, वो 10,000 वर्ष पूर्व ऐसे ऐसे। तो होलोसिन को चालू हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है ऐसे, ठीक है। तो ये छवों अपन ने स्टेजेस पढ़ ली मानव के विकास की, कहां से शुरू हुई, रामापिथेकस, रामापिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस, ऐसे याद इनको रखना है। नीचे एक मैंने इमेज और लगा रखी है, इसको और देख लो, ठीक है। इसमें इसमें क्या अपन जैसे देखते हैं, ये देखो ये तो ऐप है ना, ऐप, ये क्या है, ये नाई है, नाई है ना, मतलब होमोनाइड तो पाया हो गया ना, देखो 1 2 3 4, फिर ये यहां से चालू हो गया आपने, ठीक है। तो इसमें रामापिथेकस नहीं दिखाया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस मैंने आपको अलग फाइल के अंदर दिखाई, तो वो तुलनात्मक से खड़ा होता दो पांव पे, लेकिन सीधा खड़ा नहीं हो पाया। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अपन जैसे देख रहे हैं, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या, मानव का आदि पूर्वज, वही नियोजोई के, नियोजोई गेरा के कौन से एज के अंदर, नियोजोई गेरा या क्वार्टरनरी युग जिसको अपन बोलते हैं, उसमें कौन सी एज, प्लिस्टोसिन एज, ठीक है ना। ये फिर ये उससे भी उन्नत रूप है, क्योंकि हथियार और बना लेंगे तो होमो हैबिलिस, ठीक है, जैसे ये देखो होमो इरेक्टस है ना, होमो, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी इसमें दिख रहा है, और जब इसके हाथ में हथियार पकड़ा देंगे तो होमो हैबिलिस भी बन जाएगा, फिर होमो इरेक्टस हो गया, बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया स्ट्रेट, जबकि ये देखो तुलनात्मक थोड़ा सा झुका हुआ है ऐसे, है ना। और पहले वाले फीचर तो इसमें है ही, हथियार लेके चलना, ठीक है। फिर नियंडरथल जैसे आ गया, तो होमो सेपियंस में अपन ने पढ़ा था होमो हर्गिबिलिस और होमो नियंडरथल, जर्मनी वाले स्थान, फिर कोगनेगन, ये नियंडरथल का ही दूसरा नाम है, ठीक है। और फिर जैसे अपन आधुनिक मानव जैसे अपन जैसे देखते हैं, तो ये आधुनिक मानव ये हो गया होमो सेपियंस सेपियंस ऐसे, ठीक है। और होमो इरेक्टस का अपन ने एक नाम और देखा था, दूसरा क्या था, वो पढ़ा था अभी अपन ने ऊपर, ये देखो मैं बताऊं, होमो इरेक्टस, ये देखो लास्ट लाइन देखो, ये होमो इरेक्टस, ये देखो क्या था, ये पिथेंक थ्रोपस, है ना, कि इरेक्ट होने लग गया, सीधा खड़ा होने लग गया, इसलिए उसने थैंक यू दिया गॉड को, तो थैंको से याद रह जाएगा, पी थैंको, है ना, कि थैंक्स दिया गॉड को, तो थैंको से पी थैंको थ्रोपस, इरेक्टस वाले को, है ना, होमो इरेक्टस को बोलते हैं पी थैंको थ्रोपस। तो ये जैसे है ना नीचे, ये इरेक्टस जो ये बता रहा था, ये इरेक्टस, ये जो इरेक्ट होने लगे, सीधा खड़ा होने लग गया, तो इसने थैंक्स दिया, पी थैंके थ्रोपस, ठीक है। यूं नियंडरथल हो गया, सेपियंस का एक भाग है, क्रोमोमैन नियंडरथल का ही एक रूप है, आधुनिक मानव हो गया होमो सेपियंस सेपियंस। जैसे नियंडरथल कन्फ्यूजन हो रहा हो ना कहाँ आया था, तो ये देखो ये रहा नियंडरथल, ये रहा नियंडरथल, बता ना कि नियंडर, इस नियंडरथैलिस को अपन बोलेंगे, सॉरी इस नियंडरथल को, इसी को नियंडरथल को अपन नियंडरथैलिस, नियंडरथैलिस को अपन बोलेंगे, नियंडरथैलिसिस को अपन बोलेंगे, नियंडरथल यूं है, और जर्मनी नामक स्थान से ये मिला था इसे।
ठीक है, तो ऐसी ऐसी इमेज को भी जैसे आप ध्यान रख लो, नोट्स में लगी हुई है ये, ऐसे ही मानव की श्रृंखला है। ओके, फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं टूल्स का, अपन देखते हैं नेक्स्ट में, है ना। यू